फर्स्ट एसी में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. एक्चुअली पहले मेरे हस्बैंड ने भी आना था बट उनका कैंसिल हो गया तो मैं अकेली आ गई हूँ यहाँ पे. यूजुअली हम सेकंड एसी में कर लेते हैं ट्रैवल. ना कोई मैसेज भेजते हैं. मैं अभी एक हफ्ते पहले बॉम्बे गया था. जब निजामुद्दीन गाड़ी में दे रहे हो तो उसमें भी देने था. हम घर से लेके नहीं आए. वहाँ आके मालूम पड़ा आप कम से मैसेज तो डालो कि नहीं देंगे. रेलवे काफी प्रगति पे है. प्रगति पर है दोस्त. फर्स्ट एसी का जो टॉयलेट है इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर बाथरूम भी प्रोवाइड किया जाता है. बहुत दिनों बाद ट्रैवल कर रहे हैं कोविड के बाद तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. और पहले जैसी सुविधाएं नहीं थी अभी वो सारी सुविधाएं अवेलेबल है यहाँ पे. जैसे ब्लैंकेट वगैरह है. बस एक ही चीज है ब्लैंकेट धुलते नहीं है यात्रियों के यूज करने के बाद अगर हमको लगता है कि नहीं इसमें स्मेल है ये सब है तो इसका कोई यूज नहीं है कि. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में. दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक और जानकारी देने वाला हूं कि अभी भारतीय रेल ने अपने जो एसी कोचेज हैं उनके अंदर जो कंबल है तकिया है या इन सब चीज़ों को देना शुरू कर दिया है. तो पहले की तुलना में अभी क्या अपडेट्स हैं. कोरोना काल से पहले इनको जो है रोका गया था तो अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं हर चीज़ के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा. पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड एसी के अंदर क्या डिफरेंसेज हैं. उस वीडियो के ऊपर आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला तो आज हम आपके लिए एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर के आए हैं. फिलहाल मैं हूँ इंदौर से चलने वाली ट्रेन दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली के लिए इंटरसिटी ट्रेन के अंदर जो कि ट्रेन नंबर है 12415 और ये 5:20 पे इंदौर से चलती है. सुबह 6 बजे के आसपास ये दिल्ली पहुँचती है. तो इसी ट्रेन के फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी के डिब्बे के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा. दूसरा मैं आपको कुछ पैसेंजर्स हैं हमारे साथी उनसे भी बात करवाऊंगा कि अभी पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुआ है या वैसा ही सब कुछ है. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैं हूँ आज थर्ड एसी के अंदर. तो थर्ड एसी का जो डब्बा है इसके बारे में हम बात करते हैं. ये जो जनरल कोच होता है उसी तरह का एक डब्बा होता है लेकिन यहाँ पर आपको 3 बर्थ इस साइड में मिलती हैं और 3 बर्थ आपको इस साइड में दी जाती हैं. साथ ही आपको पर्दे वगैरह मिल जाते हैं. और अभी क्या है गवर्नमेंट ने जो कोरोना काल से पहले जो ये कंबल वगैरह को बंद कर दिया था देना तो अभी दोबारा आपको कंबल है पिलो है ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया है. और आई थिंक यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है बेडशीट भी मिल जाती है. तो यानी कि पहले जो सुविधाएं आपको मिला करती थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अभी देना शुरू कर दी हैं. साथ ही आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर एक ग्लास भी मिलता है मिरर जिससे कि आप अपने बाल वगैरह संवार सकें. मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट हैं सभी के लिए. लाइट है रीडिंग लाइट वगैरह आपको यहाँ पर दी गई है. पर्दे हैं तो सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है. बाकी सीट वगैरह तो जैसी पहले आती थी उसी तरह की है. सर ये कंबल वगैरह दोबारा से शुरू हुए हैं आपके आपको इसके बारे में क्या कहना है. नहीं नहीं ठीक है जरूरी था ये और अब तो सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो ठीक है अब चल सकता है. और वैसे अब तो कोरोना जो है जा चुका है मेरे ख्याल से. गया तो नहीं है वो तो आना जाना लगा रहेगा पर ठीक है. लेकिन ठीक है ठीक है कंट्रोल्ड है यानी कि. तो दोस्तों ये थर्ड एसी का डब्बा है और इसके अंदर आपको कंबल वगैरह मिल ही जाते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर अगर हम टोटल देखें तो 72 जो है आपको बर्थ मिलती है. और एसी आपको तीनों ही डब्बों के अंदर सेम मिलता है. सेम कूलिंग वाला एसी होता है. यहाँ पर आपको इसके अंदर डोर भी मिलता है. और मैं आपको जो है इसका ये दिखा देता हूँ. यहाँ पर आपको मिरर है जिसके अंदर आप बाल वगैरह संवार सकते हैं. वॉश बेसिन है. यहाँ पे नीचे डस्टबिन है. यहाँ पर आपका फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है डब्बे के अंदर. यहाँ पर आपके जो है ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन जो है आपको अलार्म लगाया गया है जिससे कि आप सिगरेट वगैरह ना पिए. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जाती हैं. और इस गाड़ी के अंदर कई जो हैं थर्ड एसी के कई डब्बे हैं. सेकंड एसी भी है और फर्स्ट एसी के आपको इसके अंदर जो है 3 डब्बे मिलते हैं. अभी ट्रेन चलने में थोड़ा सा टाइम है. 5:20 की ये ट्रेन है तो 5:20 पे चलेगी तो अभी सारे लोग आ रहे हैं अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे हैं. और नीट एंड क्लीन ट्रेन है. इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छतम सिटी रहा हुआ है पिछले 5 सालों से. तो वहीं से मैं आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ. तो दोस्तों फिलहाल हम आ चुके हैं एसी सेकंड के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में सर हैं. इनसे हम जानते हैं कि अभी जो कंबल वगैरह शुरू कर दिए हैं इनको लेकर के इनका क्या कहना है. सर अभी कर देना ठीक था या कुछ समय और. नहीं नहीं कर देना था बल्कि कई और ट्रेन में जो ऐसे अवंतिका जा रही है उसमें चालू नहीं किया वो भी गलत है. ना कोई मैसेज भेजते हैं. मैं अभी एक हफ्ते पहले बॉम्बे गया था. जब निजामुद्दीन गाड़ी में दे रहे हो तो उसमें भी देने था. हम घर से लेके नहीं आए. वहाँ आके मालूम पड़ा आप कम से मैसेज तो डालो कि नहीं देंगे. वैसे दोस्तों एसी के डब्बे में क्या है अमूमन अभी इस समय तो खैर नहीं है लेकिन रात के समय पे थोड़ी ठंडी हो जाती है. क्यों सब हो जाती है ना. हाँ बिल्कुल सर ठंडी हो जाती है तो उस समय पे हमें कंबल की ज़रूरत लगती है. तो सेकंड एसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का रहता है. यहाँ पर आपको 2 बर्थ मिलती हैं ऊपर और नीचे. इसी को कहते हैं सेकंड एसी. 2 बर्थ इस साइड में मिलेंगी और 2 बर्थ आपको यहाँ पर इस साइड में देखने के लिए मिलती हैं. साथ ही अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो आपको यहाँ पर मिरर वगैरह मिल जाता है. कंबल फिलहाल आपको शुरू कर दिया गया है और बेडशीट कंबल पिलो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं. मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट हैं.
और अलार्म है आपको यहाँ पर, जो आप जो चैन खींचते हैं वो वाला सिस्टम हर डिब्बे के अंदर रहता ही है। रीडिंग लाइट वगैरह भी आपको नीचे की साइड में दी जाती हैं, और यहाँ पर आपको कर्टेन वगैरह जो है हर इसी के अंदर जो दिए जाते हैं वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। साथ ही अगर इस साइड में देखें तो यहाँ पर आपको सेकेंड एसी के अंदर ये जो बर्थ है इसके ऊपर भी आपको सेपरेट जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है कर्टेन दिए जाते हैं। रही बात अगर हम सीटिंग क्षमता की बात करें या बर्थ क्षमता की बात करें, तो सेकेंड एसी के अंदर आपको जो है यहाँ पर 50 लोगों के लिए बर्थ मिल जाती है, 50 बर्थ मिलती हैं आपको डब्बे के अंदर। लाइव सर्विस है इंडियन रेलवे में, मतलब जैसे अब कोविड की उससे जैसे निकले हैं उससे बहुत सुपीरियर है, सुपीरियर है, बेस्ट है, सुपीरियर है। दूसरा ट्रेन वगैरह जो है एकदम नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है, और जहाँ तक लगता है मुझे अब रेलवे काफ़ी प्रगति पे है, प्रगति पर है। दोस्त थैंक यू सो मच, आपने अपना फीडबैक दिया, और हमारे वीडियो के माध्यम से हम जो है गुजारिश करेंगे रेलवे से कि आप जो है थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, डब्बों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट दिए गए हैं, पानी की बॉटल वगैरह रखने के लिए स्पेस आपको मिल ही जाता है, ऊपर की बर्थ पर भी आपको जो है रीडिंग लाइट वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं फर्स्ट एसी के अंदर। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको मार्किंग भी जो है दी गई है, जिससे कि नाइट के समय में आप इजीली अपनी बर्थ तक पहुँच सकें। दोस्तों ये सेकंड एसी का टॉयलेट है, यहाँ पर भी आपको मिरर मिलेगा, दोनों साइड में आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, फायर एक्सटिंग्यूशर है, पानी का नल है वॉश बेसिन के साथ में, लोग इसको चालू करके छोड़ के चले जाते हैं, इसको बंद करना चाहिए। अंदर से हमें कुछ इस तरह का व्यू दिखता है ट्रेन का, रिजर्वेशन, एयर कंडीशन का, यहाँ पर आपके एसी के सारे कंट्रोल जो है वो पैनल दिया गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं फर्स्ट एसी की तरफ, जहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलग दिया गया है, यानी कि ये थोड़ा सा पिंक कलर का है, और अगर हम इसके सेकंड एसी को दिखाएं तो आपको वही ब्लू कलर या स्लेटी कलर का दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका जो टॉयलेट है वो दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट एसी का जो टॉयलेट है इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर बाथरूम भी प्रोवाइड किया जाता है। नीचे की साइड में आप ये फ्लोर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलेगा, और यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको एक शावर मिलता है, जिससे कि आप यहाँ पर नहा सकें इजीली। लाइट है, मिरर है, और यहाँ पीछे की साइड में आपका जो है ये गीज़र भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आप गर्म पानी से भी नहा सकेंगे। तो फर्स्ट एसी के अंदर आपको यहाँ पर बाथरूम की भी व्यवस्था है इस साइड में, और इस साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो है इसके अंदर जो है टॉयलेट दिया गया है। ये टॉयलेट है जिसके नीचे की साइड में फ्लोर पर आपको यहाँ पर मैट मिलेगा, यहाँ वॉश बेसिन है, और ये आपका यहाँ पर टॉयलेट पेपर है, ऊपर लाइट है, और स्मोकिंग करना आपको किसी भी डब्बे में अलाउ नहीं है। यहाँ पर आपका ये जो है टॉयलेट सीट मिल जाता है। तो ये है दोनों ही साइड के टॉयलेट, यहाँ पर एसी की यूनिट है, और फर्स्ट एसी का अगर हम डब्बे की बात करें दोस्तों तो कॉरिडोर देखने के लिए मिलता है। ये आपका यहाँ पर सामान वगैरह रखने के लिए, रेलवे के लोग हैं उनका सामान रखने के लिए जगह है, और ये पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पर एक कॉरिडोर जो है इसके अंदर मिलता है, यानी कि आप यहाँ से वहाँ तक ईजिली जा सकते हैं। पूरा गैंगवे है यहाँ से वहाँ तक जाने का लंबा, और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सीट्स नहीं होती हैं, कूपे होते हैं, और ये चार लोगों का भी कूपा हो सकता है, दो लोगों का भी हो सकता है। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये चार बर्थ का एक कूपा है, कूपे कह सकते हैं इसको हम, चार बर्थ हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर अभी जो है क्या नाम है कारपेट है, पिलो है, कंबल है, ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे के द्वारा। ये आपकी चैन हो गई, लाइट है, यहाँ पर आप अगर म्यूजिक वगैरह सुनना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की है फर्स्ट एसी के अंदर। और फर्स्ट एसी के अगर अंदर और हम सुख सुविधाओं की बात करें तो ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर जो है साइड में स्टेयर्स भी दी गई, यानी कि सीढ़ी के द्वारा आप जो है इजीली यहाँ से चढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट एसी तो भाई फर्स्ट एसी है, जिसके अंदर पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है तो सुविधाएँ भी आपको ज़्यादा मिलती हैं। आपको इंडिविजुअल एक जो है डस्टबिन भी दिया गया है, बॉटल होल्डर है, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं रख करके, और इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो ये जो कुशन है ये भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी मोटी सीट है। इसके साइड में आप देखेंगे ये आपको आर्म रेस्ट वगैरह भी मिलते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट एसी के अंदर आपको जो है कुछ इस तरह की सीटें मिलेंगी, यहाँ पर आपकी रीडिंग लाइट भी दी गई है, और मेरे साथ में है भाई साहब, हम इनसे जानते हैं। ऊपर आपको देखो मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको अलार्म का भी एक स्विच दिया गया है, कोच के अटेंडेंट से आप जो है यहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एसी की अगर हम सीटिंग की बात करें या बर्थ की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 24 बर्थ जो है टोटल मिलती है, जिसके अंदर आपको 4 का एक कूपा मिलता है और 2 का भी एक कूपा इसके अंदर मिलता है। दिल्ली जा रहे हैं भाई साहब और फर्स्ट एसी में ये सफ़र कर रहे हैं, तो सर आप ये बताओ कि आपने फर्स्ट एसी में टिकट जानबूझ के लिया है या किसी कारणवश आपको नहीं मिला था? तो आपको कारणवश नहीं लिया, मैंने जानबूझ कर लिया है, बिकॉज कंफर्टेबल होता है। अच्छा, एक मीन्स यहाँ पे आपको एक कंफर्ट जोन मिलता है, लाइक
सेपरेशन भी मिलता है, प्राइवेसी मिलती है, प्राइवेसी मिलती है। जैसे अभी वेदर की बात करें, बाहर गर्मी है बट यहाँ पे आपको एसी मिलता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इफ यू कैन अफोर्ड यू शुड। और अब आपको मैं इसका जो डबल जो आता है वो भी दिखा देता हूँ। डबल वाला जो है वो यहाँ पर है, एक आपको चार का मिलेगा, एक आपको यहाँ पर जो है डबल का, ये यहाँ पे डबल बर्थ का जो है इसके अंदर आपको एक कोच और मिलता है, यानी कि कूपा और मिलता है। इसके अंदर आपको दो बर्थ मिलेंगी नीचे और ऊपर, वहाँ सामने आपको मिरर मिलेगा, आपको एक टेबल भी दिया जाता है, डस्टबिन आपको मिल ही जाएगा, मिरर दोनों साइड में मिलेगा, एक छोटा एक बड़ा। इसके अंदर आप जो है यहाँ पर खड़े होकर के अपने पूरे शरीर को देख सकते हैं, इतना बड़ा मिरर आपको यहाँ पर दिया जाता है। बाकी लाइट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, स्टेयर्स वगैरह आपको मिल जाती हैं चढ़ने के लिए। फर्स्ट एसी के अंदर हमारे साथ में है डॉक्टर साहब जो कि दिल्ली जा रहे हैं, वर्षियाल से दिल्ली जा रहे हैं ये, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि फर्स्ट एसी के डिब्बे में इनका पहला सफ़र है या ये हमेशा करते हैं, और अभी जो कंबल वगैरह शुरू हुए हैं उसको लेकर के इनका क्या विचार है। वैसे तो मतलब आई फ्रीक्वेंटली ट्रैवल ट्रेन में, बिकॉज अभी मैं इंदौर में हूँ बट मेरा घर चंडीगढ़ में है, तो ये इंदौर दिल्ली में तो बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ट्रैवल करती हूँ। फर्स्ट एसी में फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ एक्चुअली, पहले मेरे हस्बैंड ने भी आना था बट उनका कैंसिल हो गया तो मैं अकेली आ गई हूँ यहाँ पे। यूजुअली हम सेकेंड एसी में कर लेते हैं ट्रैवल, तो अभी तो अच्छा लग रहा है, आई मीन इट्स गुड। और ये जो ब्लैंकेट का आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यू नो आपको घर से कैरी करना पड़ता है, वो एक एडिशनल आपके लिए एक बर्डन है, राइट। और जब से अभी दोबारा से कोविड के बाद स्टार्ट हुआ, आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल, बिकॉज एसी की वजह से ऑलरेडी बहुत ठंडा हो जाता है और रात को भी काफ़ी ठंड लगती है, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड एंड हेल्पफुल। इंदौर इज नोन फॉर इट्स क्लीननेस, यस यस, और आई एम होपिंग कि ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है, ये सैनिटाइज हूँ बिकॉज वी डोंट नो राइट नाउ। और अभी जैसे इसकी क्लीननेस देख के ये लगता है कि हाँ दे आर टेकिंग गुड इनिशिएटिव, और अभी लेट्स सी बिकॉज वी हैवंट यूज्ड इट येट, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन द थिंग्स विच आर ऑलरेडी यूज्ड दे हैव सम स्मेल इन इट, बट राइट नाउ इफ लेट्स सी इफ दे आर स्टिल स्मेलिंग देन डेफिनेटली दे आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, सो जस्ट नाउ वी कैन कमेंट ऑन दैट। ये यूज़ करने के बाद अगर हमको लगता है कि नहीं इसमें स्मेल है ये सब है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है कि हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा होगा कि ये इनिशिएटिव में देखते हैं, अभी यूज़ करके देखते हैं। और बाकी रात में जो है ठंड लगती थी उससे तो बचाव हो गया, क्योंकि लोग जो है अक्सर करके परेशान होते थे एसी के अंदर। क्या होता है कि नाइट के समय में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने काफ़ी सारा जो है रियलिटी टेस्ट जो है यहाँ पर किया है हमारे जो पैसेंजर साथी हैं उनके साथ में, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगेगा। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।